बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो बड़ा बयान दिया उससे अब सियासी बाजार गर्म हो गया है। तेजस्वी यादव ने शिवहर में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें ऐसा राष्ट्रपति नहीं चाहिए जो राष्ट्रपति भवन के अंदर मूर्ति बनकर रहे। उन्होंने कहा कि जो हमारे विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनको बोलते हुए हर कोई देखा है, लेकिन अब तक द्रौपदी मुर्मू को बोलते किसी ने नहीं देखा। इस बयान के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पर करारा हमला कर दिया है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लगभग 7 साल तक बिहार को रबर स्टैंप मुख्यमंत्री देने वाले राजद नेताओं को SC ST समाज के लोग हमेशा रबर स्टैंप ही लगते हैं। मुझे भी कुछ लोग यही समझते थे, पर परिणाम सबने देखा है। मुर्मू जी पर कमेंट करने से पहले राजद नेता अपनी शैक्षणिक योग्यता ही देख लेते तो शायद ऐसा न कहते। तो निश्चित तौर पर जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया है उस बयान पर अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने पलटवार किया है और बतौर मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जो कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल को रबर स्टैंप करार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने दिया है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जहां तेजस्वी यादव के बयान को लेकर पहले ही तेजस्वी यादव की योग्यता पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने सवाल खड़े किए हैं, वहीं अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने राबड़ी देवी के कार्यकाल की याद दिलाई है और कहा है कि राबड़ी देवी जब बिहार में मुख्यमंत्री थी तो वो रबर स्टैंप जैसा काम करती थी और अगर राजद नेताओं के आंख में SC ST के लोग चुभते हैं तो उन्हें पहले ये तय करना चाहिए कि उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी के इस बड़े हमले के बाद राष्ट्रीय जनता दल किस तरीके से प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि इस बार जीतन राम मांझी ने तेजस्वी ही नहीं बल्कि उनकी माता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के ऊपर भी एक करारा हमला करते हुए उन्हें रबर स्टैंप करार दिया है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।